Hey guys, मेरा नाम है वैभव सैनी और स्वागत है आप लोग का टेकाड्रॉन पर। और आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गाइज आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज हम फाइनली 1500 डेज पूरे करने जा रहे हैं हमारे जंगल ओनली वर्ल्ड के अंदर। और गाइज मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक्स अलॉट गाइज, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया मेरे चैनल को। तो फटाफट से बिना बोर करे आप लोग को मैं बता देता हूँ आज हम लोग क्या करने वाले हैं। यस गाइज, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही ऑसम कम्प्लीटली ऑटोमेटिक विलेजर ब्रीडर, जो हमें विलेजर्स जो है प्रोड्यूस करके देगा लगातार हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसका काम यही होने वाला है, वो लगातार हमें विलेजर्स ब्रीड करके देता रहेगा। और गाइस इसके बाद हम लोग विलेजर ब्रीडर की मदद से बनाने वाले हैं एक बहुत ही ऑसम कंप्लीटली ऑटोमेटिक गोल्डन कैरेट फार्म। यस गाइस, लास्ट एपिसोड में मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैं गोल्डन कैरेट फार्म बनाऊं, तो आज फाइनली हम लोग एक बहुत ही ऑसम गोल्डन कैरेट फार्म बनाने वाले हैं। बहुत सारी लेयर्स बनाने वाला हूं मैं उसकी, जो हमें बहुत सारी गोल्डन कैरेट्स प्रोवाइड करेगा। और फाइनली हम लोग पॉर्क चॉप से स्विच करने वाले हैं गोल्डन कैरेट्स पर। और गाइस इसी के साथ मैं करने वाला हूं बहुत सारी नेदरराइट माइनिंग, क्योंकि हमारा नेदरराइट बीकन शेप लेना शुरू कर दिया है और फटाफट से हम लोग जितनी जल्दी हो सके नेदरराइट बीकन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी थी और मेरा डे 1401 जो है खत्म होने वाला था। पता नहीं पिछले एपिसोड से क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, मैं जैसे ही अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ हमारा डे यहाँ पर खत्म हो जाता है। और गाइस रात हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना नए व्यूअर्स को मैं अपने कासल का लुक दे देता हूँ, रात के अंदर कैसा लगता है हमारा कासल पूरी लाइट्स वगैरह के साथ में आप लोग देख सकते हैं गाइस। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, हमारे कासल के अंदर जो गोल्ड का रूम है ना गाइस, आज हम उसे डायमंड के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। पिछला हमारा बीकन तोड़ के डायमंड वाला, जितने हमें डायमंड ब्लॉक्स मिले थे ना, उस सारे ब्लॉक्स लगाकर हम पूरा रूम डायमंड का बना देने वाले हैं। तो गाइस फटाफट से पहले मैं जाकर सो जाता हूं, अगले दिन हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस अगले दिन मैं फटाफट से सबसे पहले ग्रास ब्लॉक्स कलेक्ट करने आ गया था अपने सिल्क टच वाले शवल से, और अचानक से यहां पर लावा पूल आ गया। अब गाइस यहां पर मैं लावा पूल के अंदर गिरते गिरते बचा। अब गाइस मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि जितना जल्दी हो सके हम लोग अपना बिल्ड बनाना शुरू कर देने वाले थे, क्योंकि जितनी जल्दी टाइम लैप्स आएगा उतना ज्यादा आपको वीडियो के अंदर मजा आने वाला है और आप लोग बोर नहीं होंगे। तो यहां पर मैंने काफी सारे ग्रास ब्लॉक्स जो है कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे। और गाइस ग्रास ब्लॉक्स कलेक्ट करते करते एक दिक्कत हो जाती है, आप लोगों नोटिस किया हो तो ट्रीज के नीचे से जब ब्लॉक निकल जाता है ना, तो बहुत वियर्ड लगती है, ऐसा लगता है कर्स्ड ट्रीज हैं। एनीवे मैंने काफी सारे ग्रास ब्लॉक्स कलेक्ट करे, जिससे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बन सके और हम एक विलेजर ब्रीडर बना सके। और उसके बाद मैं अपने बेस पर वापस आ गया। और गाइस बेस पर वापस आने के बाद सबसे पहले मैं आ चुका था अपने एक्वेरियम पे, और यहाँ पर मुझे राम की ग्रेव दिखी तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। अब गाइस आप लोग को याद हो तो लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमारे दो एक्सोलॉटल्स रह गए थे हमारे बड़े वाले एक्वेरियम में शिफ्ट करने से। तो गाइस जितने लोग नए हैं उन्हें मैं बड़ा वाला एक्वेरियम का भी टूर देने वाला हूं एक बार फिर से, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो ये रहा हमारा वो एक्सोलॉटल जो छूट गया था एलेक्स, मैंने इसे फटाफट से पकड़ लिया। और गाइस इसके बाद मैं अपने एक्वेरियम के अंदर आया, और उसके बाद मैंने जो नया एक्सोलॉटल था ना, जिसका हमने पीचू नाम रखा था, मैंने उसे भी पकड़ लिया। और उसके बाद मैं निकल गया अपने बड़े वाले एक्वेरियम की तरफ। सो गाइस ये है हमारा बड़ा वाला एक्वेरियम, यहाँ पर आते ही मैंने इन दोनों एक्सोलॉटल्स को फ्री कर दिया, ये लोग एकदम आजाद थे अपने नए घर में रहने के लिए। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं काफी खुश हैं ये लोग यहाँ पर आने के बाद, और अपने एक्सोलॉटल फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर इन लोग के साथ स्विमिंग कर रहा था। और गाइस ये स्कैफोल्डिंग जो लगी हुई है ना, इसका एक फायदा भी आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इसके अंदर आया हमारे एयर बबल्स जो है भरने शुरू हो गए, तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर हमारे एयर बबल्स दोबारा से फिल करने के लिए आ सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लगता है यार हमारा नया वाला एक्वेरियम। एक्सोलॉटल्स को शिफ्ट करने के बाद मैं सीधा आ गया था एंड डायमेंशन के अंदर हमारे सैंड फार्म के ऊपर। अब गाइस यहाँ पर मैंने इसे काफी देर तक यूज किया था, और आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी सैंड हमारे पास कलेक्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर शल्कर बॉक्सेस को रख दिया, क्योंकि मैं बहुत सारी सैंड लेकर जाने वाला था, उसे स्मेल्ट करने वाला था, और उस सारी सैंड को ग्लास में कन्वर्ट करके गाइस व्हाइट स्टेन ग्लास बनाने वाले थे हम लोग। और व्हाइट स्टेन ग्लास का यूज करके हम लोग विलेजर ब्रीडर बनाने वाले हैं। मैंने सारी की सारी सैंड जो है शल्कर बॉक्सेस के अंदर ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। आप लोग देख सकते हैं गाइस पूरी डबल चेस्ट भरी हुई है सैंड की, और इसके ऊपर वाली डबल चेस्ट जो है वो भी भरी हुई है, मतलब भर भर के सैंड है हमारे फार्म के ऊपर। जैसे ही मेरे दोनों शल्कर बॉक्सेस फिल हो गए, मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ गया। यहाँ पर मैंने पोर्टल के अंदर जंप कर दी, और उसके बाद गाइज मैंने फटाफट से अपने स्टोन स्मेल्टर के पास आया, ऑटोमेटिक स्मेल्टर के पास आया, और वहाँ पर सारी की सारी सैंड को उसके अंदर फिल करना शुरू कर दिया। क्योंकि गाइज अगर हम इतनी सारी सैंड को नॉर्मली स्मेल्ट करने बैठे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं। फटाफट से मैं टाइम लैप्स शुरू करने वाला हूँ, सो दैट आप लोग बोर ना हो जाएं। मुझे पता है आप लोग को टाइम लैप्स पे कितना मजा आता है। और गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरे पास अभी भी इतनी सारी सैंड वगैरह यहाँ पर बची है, और यहाँ पर हमारा स्मेल्टर जो है स्टार्ट हो चुका है, और आई एम प्रीटी श्योर ग्लास जो है वो इकट्ठा होना शुरू भी हो चुका हुआ। काफी कमाल का स्मेल्टर है गाइस ये, आप लोग देख पा रहे हैं ग्लास ऑलरेडी बनना शुरू भी हो चुका है। तो बस कुछ ही देर की बात है, हम लोग अपना बिल्ड बनाना फटाफट शुरू करने वाले हैं। इसके बाद गाइस मैं सीधा आ गया था अपने बोन मील फार्म के अंदर, क्योंकि गाइस बोन्स की मदद से हम लोग बोन मील बना सकते हैं, जिससे हम बना सकते हैं व्हाइट डाई, और उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी हमारा विलेजर ब्रीडर बनाने के लिए, क्योंकि हम व्हाइट स्टेन ग्लास का यूज करने वाले थे। तो पहले तो मैंने यहाँ पर हमारे कॉपर को चमकाना शुरू कर दिया, जो मैं हर बार करता हूँ, क्योंकि गाइस स्टेन कॉपर जो है बहुत वियर्ड सा लगता है, टार्निश कॉपर है। तो मैंने फटाफट से सारे के सारे कॉपर को
चमकाया और उसके बाद एक एक करके मैंने सारे स्केलेटन्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हीं से हमें बोन मील मिलने वाली थी और हमारी बोन मील की सप्लाई जो है ना वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। मेरे फ्यूचर में प्लान्स हैं बोन मील को लेके काफी सारे फार्म्स बनाने के और उसके लिए हमें बहुत सारी जरूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर AFK कर लिया जाए। फाइनली गाइस जब मैं बेस पर वापस आया तो तब तक आई थिंक यहाँ पर हमारा ग्लास जो है स्मेल्ट होकर रेडी हो चुका था। आप लोग देख सकते हैं काफी सारा ग्लास हमारे पास स्मेल्ट हो चुका है और मैं काफी सारी बोन्स भी लेकर आया था। और अब टाइम है बहुत सारा व्हाइट स्टेन ग्लास बनाने का और उसके बाद हम लोग चलेंगे फटाफट से अपना बिल्ड शुरू करने। सो गाइस मैंने अपनी फेवरेट क्राफ्टिंग टेबल के पास आकर काफी सारा व्हाइट स्टेन ग्लास बना लिया और उसके तुरंत बाद मैंने फटाफट से अपना बेस बनाना शुरू कर दिया। अब मैंने ऑटोमेटिक विलेजर ब्रीडर बनाना शुरू कर दिया। सो हेयर वी आर फाइनली गाइज, कुछ दिन की मेहनत के बाद हमारा विलेजर ब्रीडर जो है बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने 1 Emerald ट्रेडिंग हॉल के पास इसको बनाया। आप लोग देख सकते हैं जस्ट पीछे उसके बना हुआ है। यहाँ पर बनाने का खास रीजन ये था कि यहाँ पर ये रेलवे लाइन ऑलरेडी आ रही है तो विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी आसानी हुई मुझे और मेरे को अलग अलग जगह से उन्हें लाना नहीं पड़ा। और गाइज आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा कंप्लीटली ऑटोमेटिक विलेजर ब्रीडर, वो वहाँ पर विलेजर जो है फार्मिंग कर रहे हैं और ब्रीडिंग करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेबी विलेजर ऑलरेडी स्पॉन हो चुका है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करता है। यहाँ पर अगर आप तो यहाँ पर आपको एक पिस्टन दिख रहा है, अगर इस लेवर को खींचेंगे तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, यहाँ से हम लोग विलेजर्स को लेकर आ सकते हैं। मैंने इसको वापस से बंद कर दिया। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे ना तो जितने बड़े वाले अडल्ट विलेजर्स होंगे वो वहाँ पर माइनकार्ट में बैठ के यहाँ पर आ जाएंगे। तो गाइस अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड पे ये वाला जो लेवर है अगर आप इसको खींचेंगे ना तो ये फार्म काम करना बंद कर देगा, बेसिकली विलेजर्स जो है ब्रीडिंग करनी बंद कर देंगे। तो बेसिकली एक लेवर की मदद से हम लोग विलेजर ब्रीडर स्टार्ट भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। काफी बढ़िया फंक्शन है ये वाला डिजाइन, मेरे को काफी पसंद आया था। तो गाइस कुछ इस तरह से काम करता है हमारा विलेजर ब्रीडर। और गाइस इसी की मदद से आगे चल के हम लोग अपने ऑटोमेटिक कैरेट फार्म को जो बनाने वाले हैं उसके अंदर विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। अपना विलेजर ब्रीडर बनाने के बाद मैं आ चुका था अपने AFK फिश फार्म के ऊपर और यहाँ पर मैंने काफी टाइम तक AFK फिशिंग शुरू कर दी, क्योंकि गाइस हमारी फिशेस की सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और मेरा प्लान था कि मैं फ्यूचर में और भी कैट्स की ब्रीडिंग कराने वाला हूँ, पूरी कैट आर्मी बनाने वाला हूँ। तो अगले कुछ दिन तक मैं यहाँ पर AFK फिशिंग कर रहा था। फिशिंग करने के बाद मैंने थोड़े से टाइम ही फिशिंग करी और उसके बाद सीधा आ गया मैं अपने क्रीपर फार्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक AFK प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया था। अब गाइज यहाँ पे खड़े होकर अगर हम AFK करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा गन पाउडर बहुत ही कम टाइम में इकट्ठा हो जाएगा। अब गाइज ये हमारा नया वाला क्रीपर फार्म है जो हमने रिसेंटली कुछ 100 days के अंदर बनाया था और गाइज यही एक रीज़न है कि मैं अपने पूरे वर्ल्ड को 1.18.1 के अंदर अपडेट जो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने अपडेट कर दिया तो ये हमारा क्रीपर फार्म फंक्शन करना बंद कर देगा और मेरी इतनी सारी मेहनत जो है बेकार चली जाएगी। सो मैंने अगले कुछ दिन तक अपने क्रीपर फार्म पर AFK किया क्योंकि हमें बहुत सारे गन पाउडर की जरूरत पड़ने वाली थी, लिटरली बहुत सारे, क्योंकि हम करने वाले थे बहुत सारी नेदरराइट माइनिंग और उसके लिए मेरे को भर भर के TNT की जरूरत पड़ने वाली थी। और गाइस क्रीपर फार्म को यूज करने के बाद जब मैं अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकला ना थोड़ी दूर, मेरे साथ एक बहुत ही वियर्ड चीज हुई। मेरे को एक नया स्ट्रांग होल्ड मिल चुका था, मैंने पूरे अच्छे से देखा गाइस ये वो वाला पुराना वाला स्ट्रांग होल्ड नहीं है। यहाँ पर मेरे ऊपर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था तो मैंने उन्हें फटाफट से निपटा दिया और गाइस मैं काफी ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि हमें एकदम ब्रांड न्यू स्ट्रांग होल्ड मिल चुका है, जिसका सीधा सा मतलब है हम लोग एक और नया ड्यूपर बना सकते हैं, नए ग्रेविटी ब्लॉक्स का फार्म बना सकते हैं। इस टाइम मैं इतना खुश था ना कि मैं बता नहीं सकता। मैं फटाफट से लाइब्रेरी वाले रूम में आया और मैंने यहाँ पर लूट चेकआउट करनी शुरू कर दी, बट यहाँ पर मेरे को कुछ खास लूट मिली नहीं। जब मैं दूसरे फ्लोर पर गया इस लाइब्रेरी वाले रूम के, वहां पर ही मेरे को कुछ खास लूट नहीं मिली, बस कुछ बुक्स वगैरह थी। मतलब सीरियसली यार, हम लोग के पास इतने सारे डायमंड ब्लॉक्स हैं, इतने सारे नेदरराइट ब्लॉक्स हैं, इतने अमीर हो चुके हैं हम लोग, और आई थिंक इसीलिए मुझे उसके सामने स्ट्रांग होल्ड की लूट काफी बेकार लग रही थी, किसी काम की नहीं लग रही थी। फाइनली एक्सप्लोर करते करते मुझे मेन चेस्ट दिख गई थी और जब मैंने इसकी लूट चेकआउट करी तो गाइस यहाँ से मेरे को 2 diamonds मिल गए थे। चलो कुछ तो अच्छी लूट मिली स्ट्रांग होल्ड के अंदर। और गाइस मैंने एक और बहुत वियर्ड चीज नोटिस करी, ये स्ट्रांग होल्ड जो है पूरा केव से और माइनशाफ्ट से कनेक्टेड था। मतलब ऐसा स्ट्रांग होल्ड मैंने लिटरली लाइफ में पहली बार देखा था, पूरा केव सिस्टम से कनेक्टेड है और यहाँ पर माइनशाफ्ट वगैरह नजर आ रही थी मेरे को। आप लोग देख सकते हैं माइनशाफ्ट से कनेक्टेड है, लिटरली पूरा डिस्टॉर्टेड सा था, अजीब सा। मतलब माइनशाफ्ट भी जनरेट हो रही है और स्ट्रांग होल्ड भी प्रॉपर्ली जनरेट हो नहीं पाया है यहाँ पर। और इसके बाद गाइस मैंने देखी मेरे जंगल ओनली वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब चीज। आई एम प्रीटी श्योर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा होगा, पता नहीं ये ब्लॉक था, चेस्ट थी,
लिया माइंड कार्ड थी, जब मैंने तोड़ा ब्लॉक को उसके अंदर से माइंड कार्ड निकली यार, और इसके अंदर दो डायमंड और मिल गए। आप लोग देख सकते हैं कितनी वियर्ड तरीके से जनरेट हो रहा है वाला स्ट्रांग होल्ड, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। माइंड शाफ्ट की और इसकी चीजें आपस में मिक्स हो गई है, कहीं से वुड नजर आ रही है माइंड शाफ्ट की तो कहीं से स्ट्रांग होल्ड की मॉसी स्टोन नजर आ रहे हैं। गाइस यहाँ पर मेरे को अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनाई दी, मेरे को लगा यहाँ पर स्पॉनर वगैरह, और तभी मेरे ऊपर यहाँ पर केव स्पाइडर ने अटैक कर दिया। अब गाइस मैं स्पॉनर की तलाश में इसलिए था क्योंकि डंजन्स के अंदर हमें एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स वगैरह मिल जाते हैं, और हमारे जंगल ओनली वर्ल्ड के अंदर मेरे पास लिटरली एक भी एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल नहीं है। और यार यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत सारी मॉब्स अटैक कर रही थी, तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ से निकल गया। जब गाइस मैं अपने बेस पर वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे काफी बड़ा सा ग्रास ब्लॉक्स का पैच नजर आया, तो मैंने सोचा क्यों ना काफी सारे ग्रास ब्लॉक्स यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग फटाफट से अपने बेस पर जाकर फटाफट से अपना जायंट कैरेट फार्म बनाना शुरू कर देने वाले थे, इसलिए मैंने यहाँ से काफी सारी डर्ट और ग्रास ब्लॉक्स वगैरह कलेक्ट करने शुरू कर दिए। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जो कैरेट फार्म बनाऊँ उसका मैं लगभग 6 या 7 लेवल का बनाने वाला हूँ, सो दैट हमें बहुत सारी कैरेट्स मिल सके। काफी जायंट होने वाला है ये, और सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करना। मैंने विलेजर ब्रीडर बना तो दिया है पास ही में, बट फिर भी काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाला है वो। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस बिल्ड को कंप्लीट करने की और आप लोग को रिजल्ट दिखाने की कि हमारे पास कितनी कैरेट्स इकट्ठी होती हैं। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ से काफी सारे ग्रास ब्लॉक्स इकट्ठे कर लिए, मैं फटाफट से अपने बेस के लिए निकल गया। मैं अपने बेस पर वापस आ चुका था और लगभग सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। हमारे पास व्हाइट स्टेन ग्लास था, बहुत सारे डर्ट ब्लॉक्स और ग्रास ब्लॉक्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी कैट्स को एक बार देख लिया जाए सारी सही से बैठी हैं या नहीं बैठी हैं, और कैट्स आराम से वहां पर चिल कर रही थी। तो इसके बाद गाइस मैं आ चुका था अपने पंपकिन फार्म के ऊपर, हमारे पास ऑटोमेटिक पंपकिन फार्म भी है, और अभी गाइस आप लोग चौंक जाने वाले हैं। जस्ट हैव अ लुक गाइस, कितने सारे पंपकिन हैं हमारे पास, मतलब पूरा भरा पड़ा है डबल चेस्ट, आप लोग देख सकते हैं। मैंने काफी सारे यहाँ से पंपकिन ले लिए क्योंकि हम बहुत सारे जैकोलेंडन्स बनाने वाले थे। लाइटिंग के लिए हम लोग जैकोलेंडन्स का यूज करने वाले थे अपने कैरेट फार्म के अंदर, रात के अंदर वो बहुत ज्यादा ऑसम लगने वाली है। आप लोग टाइम लैप्स के अंदर देखना कितना ब्यूटीफुल लगता है जैकोलेंडन्स। सो गाइस इसके बाद मैंने कुछ और मटेरियल्स गैदर करे और कुछ और तैयारियां करी, और जैसे ही मेरे पास इनफ मटेरियल्स गैदर हो गए मैंने फटाफट से अपना फार्म बनाना शुरू कर दिया। सो गाइज आई थिंक ऑलमोस्ट 20-30 डेज लग गए मेरे को इस कैरेट फार्म को बनाने में, और इतनी मेहनत के बाद हमारा फार्म बनकर रेडी हो चुका है। बट वेट अ मिनट, आप लोग सोच रहे होंगे यार कैरेट फार्म जब बनकर रेडी हो चुका है तो यहाँ पर क्या कर रहा है। गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रहा हमारा कैरेट फार्म, और यहाँ पर मैं आया हूँ आपको रेलवे सिस्टम दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक रेल नेटवर्क बनाया है सिंबल से, आप लोग देख सकते हैं ऑल द वे पूरा हमारा कैरेट फार्म तक जा रहा है ये, और इसी के थ्रू मैंने सारे के सारे विलेज को ट्रांसपोर्ट करा है। अब वो मैंने ऑन कैमरा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर मैं वो दिखाता ना तो यार कितनी फुटेज दिखाता, मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा का एपिसोड हो जाता। आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर इस बटन को प्रेस किया ये माइंड कार्ड के साथ विलेजर निकला, और अब हम करने वाले हैं इसे फॉलो और देखने वाले हैं वहाँ पर कैसे पहुँचता है। जस्ट हैव अ लुक गाइस, मैंने फटाफट से अपना इलाइट्रा निकाला और मैं उड़ना चालू कर दिया है मैंने, और मैं इस विलेजर को फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पर कैसे पहुँचता है। तो गाइज ये धीरे धीरे विलेजर जा रहा है, और हम ब्रिटिश और हम लोग इससे पहले ही पहुंच जाने वाले हैं क्योंकि अपनी स्पीड तो यार बहुत खतरनाक है। और ये रहा हमारा कैरेट फार्म, और विलेजर अपना स्लो पोक आराम आराम से आ रहा है। एनीवे फटाफट से पहुंच वहां पर, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद इसका फेट बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि हमारे विलेजर जो हैं पूरे हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा कैरेट फार्म, मैंने सारे विलेजर्स को प्रॉपर्ली लगा दिया है, और गाइस ट्रस्ट मी इस फार्म के अंदर इसको बिल्ड करने में जितनी मेहनत नहीं लगी ना उतनी इन बेड्स को प्लेस पे लगाने के लिए, इन विलेजर्स को अपनी जगह पर लगाने के लिए लग गई। आप लोग देख सकते हैं ये कलेक्शन सिस्टम, यहाँ पर ऑलरेडी 1 स्टैक से ज़्यादा कैरेट की हो चुकी है, और कुछ इस तरह से अपना फार्म निकल कर आया है। लगभग मैंने 6-7 लेवल्स इसके अंदर बनाए हैं। सिंपल सा मैकेनिज्म है, जब वो अंदर वाला विलेजर बाहर वाले ट्रैप्ड विलेजर के साथ में कैरेट ट्रेड करने की कोशिश करता है
तो हमारा ये कलेक्शन सिस्टम उसे नीचे कैच कर लेता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है हमारा कैरेट फार्म। फ्यूचर में मैं इसे और अपग्रेड करने वाला हूँ, इसके और लेवल्स बढ़ाने वाला हूँ, जितना हो सके हम लोग इसे बहुत ऑसम बना देने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर अब इस विलेजर की तो जरूरत है नहीं, तो फटाफट से मैं इसे टपका देता हूँ। आई नो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अब बोलने वाले हैं नहीं यार विलेजर को मारना नहीं चाहिए था, बट गाइज कोई बात नहीं, हमारे पास विलेजर ब्रीडर इतने सारे विलेजर्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली गाइज इतने दिनों बाद मैं अपने कासल पर वापस आ चुका हूँ और आज हम अपने कासल पर ही सोने वाले हैं। आप लोग मेरी इन्वेंटरी में देख पा रहे होंगे इतने सारे डायमंड के ब्लॉक्स हैं, ये वो सारे ब्लॉक्स हैं जो हमने बीकन को तोड़कर उसके अंदर से निकाले थे। और गाइज पहले फटाफट से जाकर सो जाते हैं अपने गोल्ड ब्लॉक्स वाले रूम के अंदर और सुबह उठकर हम इन गोल्ड ब्लॉक्स को निकालकर यहाँ पर डायमंड के ब्लॉक्स लगाने वाले हैं। यस गाइज जैसा कि मैंने आपसे बोला था हम लोग इसे डायमंड का रूम बना देने वाले हैं। तो ये मैं सो गया, अब गाइज फटाफट से सारे के सारे गोल्ड ब्लॉक्स को तोड़ना शुरू करते हैं और यहाँ पर डायमंड के ब्लॉक्स को लगाना शुरू करते हैं। हमारा एम ये रहेगा कि धीरे धीरे आने वाले एपिसोड्स के अंदर इस पूरे रूम को हम लोग डायमंड के ब्लॉक से बना देने वाले हैं। और गाइस जब ये रूम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा डायमंड के ब्लॉक से तो बाहर से वो जो गोल्ड की विंडोज अभी नजर आती है ना हमारे कैसल के अंदर वो पूरी डायमंड की नजर आएंगी और आप लोग देख सकते हैं यार कितना ऑसम लगने वाला है हमारा कैसल। सो गाइस मैंने फाइनली सारे के सारे डायमंड ब्लॉक्स लगा दिए और मेरे पीछे जो आपको विंडोज नजर आ रही है ना जहां से डायमंड के ब्लॉक्स दिख रहे हैं मैं उन विंडोज की बात कर रहा था। और यहां पर एक बार फिर से वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका है। अब गाइस अगर आप लोगों ने आज नोटिस किया है ना तो इन 100 डेज के अंदर ये तीसरा वॉन्डरिंग ट्रेडर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और एज यूजुअल इसके पास बहुत घटिया ट्रेड्स हैं। आई थिंक हमारे पास डार्क ओक की सैपलिंग ऑलरेडी है तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो फटाफट से मैं इसको मार देता हूँ। ये गया वॉन्डरिंग ट्रेडर और मैंने इसके लामास को भी फटाफट से मार दिया। सो गाइज अपने कासल का डायमंड वाला रूम कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुका हूँ सीधा नेदर के अंदर। यहाँ पर मैंने शुरू कर दी है TNT चेन माइनिंग। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत बड़ी सुरंग खोद के रखी है यहाँ पर और मैंने बहुत सारी TNTs यहाँ पर लगानी शुरू कर दी है। ये इतनी बड़ी यहाँ पर सुरंग है कि इसके अंदर लगभग 3 TNT की स्टैक्स यूज हो जाने वाली है और गाइज बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और गाइज आप लोग का एक काम है कि आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में गेस करके बताना कि पहली TNT चेन जब मैंने ब्लास्ट करी तो मुझे कितनी एंशिएंट डेब्रीज मिली होंगी। जो मेरे को सही गेस करके बताएगा उसके कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट देने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं TNT माइनिंग अब काफी दिन तक करने वाला हूँ और ये मैंने सेकंड लॉन्गेस्ट चेन जला दी है TNT की हमारे जंगल ओनली वेल के। और आप लोग देख सकते हैं सामने कुछ एंशिएंट डिब्रीज मेरे को नजर आनी शुरू भी हो गई है बट उसके ऊपर लावा आ चुका है। और यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये लावा मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, मतलब मैं यहाँ पर नेदराइट की माइनिंग करने के लिए आता हूँ और लावा पहले आ जाता है। हद है यार, लावा को हटाते हटाते इतना टाइम बीत जाता है कि एंशिएंट डिब्रीज की माइनिंग करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो मैंने फटाफट से यहाँ से एंशिएंट डिब्रीज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और जब सामने लावा और अगर आप सही से माइनिंग ना करो तो कुछ ऐसा होता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे अंदर आग लग चुकी है और मैं एक बार फिर से गाइस फायर रेजिस्टेंस के पोशन लाना भूल गया हूँ। यार मतलब सीरियसली फायर रेजिस्टेंस के पोशन के बिना मैं माइनिंग करने आ जाता हूँ, फटाफट से मेरे को वापस जाना पड़ेगा आई थिंक फायर रेजिस्टेंस के पोशन लेने के लिए। और गाइस पिछली 100 डेज वाली वीडियो के अंदर एक बार फिर से काफी सारे लोगों ने कमेंट करा कि मैं पूरे 100 डेज के लिए नेदरराइट की माइनिंग करूँ और जल्दी से जल्दी अपना नेदरराइट बीकन कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। बट गाइस फिर से मैं आप लोग को एक बार और कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि मैं पूरे 100 डेज नेदरराइट की माइनिंग करूंगा तो हमारी सीरीज का जो फ्लो है वो डिसरप्ट हो जाएगा और आपको वीडियो के अंदर मजा भी नहीं आएगा। वीडियो के अंदर टाइम लैप्सेस भी चाहिए होते हैं और गाइस एक पॉइंट ऐसा आता ही है कि नेदरराइट की माइनिंग देखते देखते इंसान बोर हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर एक ही तरीके से नेदरराइट की माइनिंग करते हैं यार, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल तो होता नहीं है। सो गाइस यहां पर मैं एक के बाद एक बड़ी बड़ी TNT की चेन्स बनाता जा रहा था और उन्हें ब्लास्ट करता जा रहा था। और गाइस मेरा एम था कि पूरी जब मैं नेदरराइट की माइनिंग कंप्लीट करके निपटूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3 से 4 ब्लॉक तो एटलीस्ट नेदरराइट के आ ही जाए सो दैट हम लोग अपने बीकन का ऊपर वाला पोर्शन एटलीस्ट कंप्लीट कर पाए। सो गाइस धमाके पे धमाके होते जा रहे थे और आई थिंक ये वाली चेन मैंने थोड़े नीचे लेवल पर ब्लास्ट कर दी। आप लोग देख पा रहे होंगे बेडरॉक पूरा नजर आ रहा है और कितनी दूर तक ये चेन ब्लास्ट होते होते जा रही है। मेरे को काफी सारी एंशिएंट डिब्रीज भी नजर आनी शुरू हो गई थी। तो गाइस अगले कुछ दिन मैंने स्पेंड किए, एक्चुअली जितने दिन बचे हुए थे 100 डेज कंप्लीट होने में मैंने सारे के सारे दिन में एंशिएंट डिब्रीज की सिर्फ माइनिंग ही करी और मेरा पूरा एम था कि मैं लगभग 3 से 4 नेदरराइट के ब्लॉक बना पाऊं। तो गाइस जैसी मेरी एंशिएंट डिब्रीज की माइनिंग कंप्लीट हो गई मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ गया। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू ओवरवर्ल्ड, हियर आई एम। पूरे के पूरे जितने दिन बचे हुए थे सारे एंशिएंट डिब्रीज की माइनिंग में मैं वेस्ट करने के बाद ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका हूं और आप लोग मेरी इन्वेंटरी में देख पा रहे होंगे मेरे पास सिर्फ 3 ही नेदरराइट के ब्लॉक इकट्ठे हो पाए हैं। और गाइस हमारा बीकन एक्टिवेटेड इसलिए नहीं था अब तक क्योंकि उसके नीचे वाला जो ब्लॉक था वो एंशिएंट डिब्री थी असल में, तो मैंने उसे हटाकर एक ब्लॉक को अंदर शिफ्ट कर दिया था जिसकी वजह से हमारे ऊपर वाले बीकन की स्टैक जो है पूरी नहीं हो पाई थी पिछली वीडियो के अंदर, वहां पे एक ब्लॉक कम रह गया था और इसी वजह से हमारा बीकन एक्टिवेट नहीं हो पाया था पिछले एपिसोड के अंदर। और आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस अब
दूसरी वाली लेयर जो है कंप्लीट होनी शुरू हो चुकी है हमारे बीकन की, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि 2000 डेज से पहले पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमारा नेदरराइट बीकन कंप्लीट कर लेंगे। आई होप गाइज आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और थैंक्स अ लॉट गाइज, 1500 डेज आज हमारे पूरे हो चुके हैं और आप लोग अभी तक इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाने का और मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मैं 1.18.1 माइनक्राफ्ट की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, हार्ड कोर सीरीज शुरू करूँगा और उसमें भी पूरी मेहनत करूँगा उसे इतना ही एपिक बनाने की जैसे हमारी जंगल सीरीज़ है। और गाइज अपने कासल की तरफ चलकर इस एपिसोड को एंड करते हैं। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आया यार तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से टेकाड्रॉन फैमिली का हिस्सा बन जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है, फ्यूचर में बहुत सारी ऑसम हार्ड कोर वीडियोज़ आने वाली हैं। तो गाइज आई होप आपको एपिसोड पसंद आया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जाते जाते मेरी बेवकूफ़ी देख कर जाओ यार, यहाँ पर मैं बहुत ही वियर्ड तरीके से अटक चुका हूँ। बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।